वेलकम टू द संतोष नायर शो। नाम तो सुना होगा, टाइगर संतोष नायर। मैंने अपनी पूरी जिंदगी डेडिकेट की लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, और मैंने ये ब्यूटीफुल पॉडकास्ट शुरू किया है द संतोष नायर शो, आपको मदद करने के लिए, ताकि आप उस बुलंदियों पे पहुंच सके जहां आपको एक्चुअली पहुंचना चाहिए। पिछले 3 डेकेड से मैंने लोगों को देखा है, और 2 टाइप के लोगों को देखा है। कुछ क्रिएटर्स हैं, कुछ कंज्यूमर्स हैं, कुछ 2 टाइप के ऐसे लोग होते हैं, कुछ फ्यूचर बेस्ड होते हैं, कुछ पास्ट बेस्ड होते हैं। 2 टाइप के दूसरे लोगों को भी मैंने देखा है, दोज हू लिव लाइफ, दोज हू स्पेंड देयर लाइफ, जीवन को जीते हैं और जीवन को गुजार देते हैं। और एक 2 टाइप्स ऑफ पीपल को देखा, कुछ लोग प्रोफेशनल्स हैं, कुछ लोग नॉर्मल और नॉन प्रोफेशनल हैं। फिर मैंने देखा कि 2 टाइप के लोग होते हैं जो एंटरप्रेन्योर होते हैं अप्रोच में, और एक होता है एम्प्लॉय इन देयर अप्रोच। फिर मैंने एक देखा है दोज हू हैव एन एंटाइटलमेंट एटीट्यूड, और दूसरा उनको एंटाइटलमेंट एटीट्यूड नहीं है। फिर मैंने देखा कुछ लोग जो रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं और कुछ लोग जो रीजंस प्रोड्यूस करते हैं। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक सुंदर टॉपिक जिसका नाम है द 2 टाइप्स ऑफ पीपल। एक होता है क्रिएटर और एक होता है कंप्लेनर। क्रिएटर्स डोंट कंप्लेन एंड कंप्लेनर्स डोंट क्रिएट। दुनिया में मैंने देखा है, इर्द गिर्द में मैंने अपने 35 साल 3.5 डेकेड्स में मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोग मेरे को मिले आजू बाजू में जो कंप्लेनर्स हैं। ये कंप्लेन करते हैं ज़िंदगी के बारे में, तकदीर के बारे में, माँ के बारे में, बाप के बारे में, दुनिया के बारे में, पॉलिटिशियंस के बारे में, स्टाफ के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में, टैक्सेस के बारे में, डिमोनेटाइजेशन के बारे में। ये कंप्लेन कर रहे हैं और ये कंप्लेन कर रहे हैं रियल चीज़ों का और इमेजिन चीज़ों का। अभी जो हुआ नहीं उसके ऊपर भी वो लोग कंप्लेन करके आगे चल के ये होने वाला है, आगे चल के ये प्रॉब्लम होने वाला है। एंड मोस्टली इनका जो कंप्लेन है वो इमेजिन्ड चीज़ों के ऊपर है, और रियल प्रॉब्लम्स होंगे। किसके लाइफ में नहीं होता रियल प्रॉब्लम, किस कंपनी में, किस इंस्टीट्यूशन में, किस टीम में इश्यूज नहीं होते हैं, लेकिन कंप्लेनिंग जो है उसका सोल्यूशन नहीं है। कंप्लेनिंग करने से आपका जो पर्सनल पावर है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, वो डिमिनिश हो जाता है या खलास हो जाता है। मतलब अगर आपने कंप्लेन नहीं किया होता एक सिचुएशन के बारे में और उसको क्रिएटिवली देखते हो सिचुएशन को, तो आप अपने मन से ना सॉल्यूशन ढूंढ लेते। लेकिन आप कंप्लेन कर रहे हैं तो आपका मन को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा, वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिल रहा नए सॉल्यूशंस और क्रिएटिव सॉल्यूशंस को डालने के लिए और लाने के लिए आप तक। तो कंप्लेनर्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि कंप्लेनर्स जो है रियल और इमेजिन चीज के बारे में जब कंप्लेन करते हैं तो वो भूल जाते हैं कि उनका जो पर्सनल पावर है जो प्रॉब्लम सॉल्व करने का, वो लोग गवा रहे हैं, उसको लोग त्याग रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, कंप्लेनर्स का एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जब आप कंप्लेन करेंगे आप दूसरे कंप्लेनर्स को मैग्नेटिकली अट्रैक्ट करेंगे। दूसरे लोग जो कंप्लेन करते, जिनको आपको 36 प्रॉब्लम है तो उसको 360 प्रॉब्लम रहेगा, तो आप ये 360 वाले को आप अपने सामने जब लाते हैं तो अभी आपके पास 360 प्लस 36 यानी 396 प्रॉब्लम्स होंगे। और सचमुच में वो 396 प्रॉब्लम आपका है ही नहीं, लेकिन वो कंप्लेनर आपके मन में आके, आपके ज़िंदगी में आके उसको जोड़ देता है, तो आपको लगता है वो आपकी ज़िंदगी की प्रॉब्लम है। तो therefore complainers attract other complainers। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ, नॉट ओनली आप रियल और इमेजिन चीज़ों को कंप्लेन करते हैं, आपका पावर भी जा रहा है, आप दूसरे कंप्लेनर्स को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन जब सब लोग साथ में आते हैं एक संगठन बनता है, यूनियन ऑफ कंप्लेनर्स बनता है, और इन सब के बीच में कॉम्पिटिशन शुरू हो जाता है। और ये कॉम्पिटिशन ये है कि किसके पास सबसे बड़ा कंप्लेन है। तो ये चर्चा चलती है कि मेरे पास 10 कंप्लेन है और फिर दूसरे के पास 20 है, तो ये हार जीत इससे तय होता है कि किसके पास सबसे बड़ा कंप्लेन है और कौन सबसे ज़्यादा दुखी है। ऑन द अदर साइड माय डियर फ्रेंड्स, इस दुनिया में मैंने क्रिएटर्स को देखा है जो रिफ्यूज करते हैं कंप्लेन करने के लिए। उन्होंने कई ज़माने पहले उन्होंने ये डिसाइड कर दिया है कि भैया मैं कंप्लेन करने वाला नहीं हूँ, मैं तो क्रिएट करने वाला हूँ। अब क्रिएट करने के लिए बहुत ही सॉलिड फिजिकल, इमोशनल, मेंटल एनर्जी लगती है। अब ये एनर्जी उभर के आती है ये क्रिएटर के लाइफ में, क्योंकि वो कंप्लेन नहीं कर रहा और उसका पावर इंटैक्ट है, और उसका पावर इंटैक्ट होने की वजह से उसके अंदर का जो रियल आत्मा है वो जागता है, क्रिएटिव सॉल्यूशंस को उसका मन ही बता देता है। वही आदमी के अंदर यू नो क्रिएटिव सोल्यूशन से वो सोल्यूशंस बाहर आता है और हर सिचुएशन को, भले वो टीम का सिचुएशन हो, प्रोडक्ट सिचुएशन हो, मार्केट का सिचुएशन हो, गवर्नमेंट को लेके हो, या पर्सनल लाइफ में कोई ट्रेजेडी हुआ, अप्स एंड डाउन्स हुआ, क्रिएटिव इंसान लोग जो क्रिएटर्स होते हैं, जिन्होंने ये डिसीजन लिया है कि मैं कंप्लेन नहीं करूँगा, वो हमेशा क्रिएटिव सोल्यूशंस टू डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स ढूंढ पाते हैं, बिकॉज उनका माइंड उस तरह से ट्रेन किया गया हुआ है। अगेन मैंने थोड़े टाइम पहले कहा था ये सब माइंडसेट है। कंप्लेनिंग एक माइंडसेट है, क्रिएशन एक माइंडसेट है। आप कौन सा माइंडसेट में अपना जीवन को त्यागना चाहते हैं, निछावर करना चाहते हैं, आप कौन सा फिलॉसफी को अपनाना चाहते हैं, इससे डिटरमिन करेगा आपका फ्यूचर कैसा होगा। तो संतोष नायर का आज का ये शो में टाइगर संतोष नायर आपको एडवाइस करता है कि आप लोग कंप्लेनर नहीं बने, आप क्रिएटर बने, और जो भी आपके सामने कंप्लेनर्स है उनको एनलाइटन कीजिए। इस तरह से आप अपना दुनिया को और अपने इर्द गिर्द के जो माहौल है उसको प्रोग्रेसिव बना सकेंगे। यही मेरी मनोकामना है आपसे। ऑल द वेरी बेस्ट। दिस इज टाइगर संतोष नायर इन दी संतोष नायर शो सेइंग गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। ऑल द वेरी बेस्ट। स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट एपिसोड ऑन द टू टाइप्स ऑफ पीपल। This episode is brought to you by Smart Training and Consultancy Services Private Limited, True School for Entrepreneurs. Thank you for tuning into The Santosh Nair Show. To get more information about our company, products and services, go to www.smart.co.in or you can follow us on social media platforms to stay connected.